सो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था सर्कमफेरेंस एंड इट्स एरिया, तो उसी के ऊपर मैं एक क्वेश्चन और आपको बताने वाला हूँ, जो कि अगर इस टाइप में अगर क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे उसको मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर। जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 रुपये पर मीटर इज़ 5,280 रुपीज़। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम उसकी फेंसिंग कर रहे हैं, अगर आप उसकी फेंसिंग कर रहे हो 24 रुपए के हिसाब से, तो जो कॉस्ट होता है टोटल वो कितना हो गया आपका 5,280 रुपीज़। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। आगे लिखा हुआ है कि द फील्ड इज़ टू बी प्लग्ड एट द रेट ऑफ 0.50 रुपी पर मीटर स्क्वायर। अभी क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है कि अगर हम 0.50 रुपए के हिसाब से अगर उस पर प्लगिंग करते हैं, प्लगिंग मतलब होता है अगर फसल लगाते हैं, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी आपको ये पता करना है। क्वेश्चन में मेंशन किया फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग इन द फील्ड। अगर आप कोई आपसे क्वेश्चन में ये पूछा कि अगर हम 0.50 रुपये के हिसाब से अगर प्लगिंग करते हैं पर मीटर स्क्वायर पे, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा उस पर प्लगिंग करने का। सबसे पहले प्लगिंग का कॉस्ट पता करने के लिए आपको उसका एरिया निकालना पड़ेगा, और एरिया निकालने के लिए आपको रेडियस चाहिए होगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एक हिंट दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में आपसे कहा हुआ है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 रुपये पर मीटर इज 5,280। अब जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कहा था, जब भी हम फेंसिंग की बात करते हैं तो फेंसिंग का मतलब क्या होता है कि आप ये सर्कुलर फील्ड के बाउंड्री पे क्या कर रहे हो, या तो आप उसकी बाउंड्री को कवरिंग कर रहे हो किसी वायर से, तो वो आपका सारा टाइम अकाउंट होता है फेंसिंग में काउंट होता है। यानी फेंसिंग का मतलब क्या हो गया, 2πr हो गया एक तरीके से आपको मैं कहूँ तो यह कहने का मतलब फेंसिंग 2πr पे हो रही है। अब आपको क्वेश्चन में क्या कहा है कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 रुपये पर मीटर स्क्वायर। यानी हमने जब 2πr पे 24 रुपये के हिसाब से जब करी फेंसिंग, तो उसकी कॉस्ट कितनी है हमारे पास 5,280 रुपीज़, ऐसा हमारे पास में कॉस्ट आया। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा था कि हमने फेंसिंग तो इतने पे करी है ना, और जितने पे हमने फेंसिंग करी उसको हमने 24 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो हमारे पास 5,280 आया होगा। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कहा कि पर मीटर पे आपका कितना है 24 रुपी है, तो सपोज हमारे पास जितना भी सर्कमफेरेंस आया होगा, जितनी फेंसिंग हमारे पास में आएगी उसको हमने 24 से मल्टीप्लाई किया होगा, तब जाके हमारे पास में 5,280 आया होगा। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, आर निकालना है, रेडियस निकालना है, ताकि हम उसका एरिया निकाल पाए और वहाँ से हम लोग उसकी प्लगिंग की कॉस्ट निकाल पाए। तो जैसा आप लोग देख पा रहे हैं कि मुझे आर निकालने के लिए बाकी से जो मल्टीप्लाई है उसको वहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, और जैसे मैं उसको वहाँ ट्रांसफर करूँगा ये सारे कहना आएंगे आपके डिवाइड बाय 24 आपका ये 2π। अब हम लोग जानते हैं कि पाई क्या होता है, पाई आपका होता है 22/7, तो यहाँ पर आपका जो 7 है वो तो चला जाएगा आपका ऊपर, बाकी आपका 24 × 2 × 22। अब क्वेश्चन में जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि आपको सिंपली कैलकुलेशन करनी है यहाँ पर, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर कैलकुलेशन कर देता हूँ। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 2 से जब ये कैंसिल करूँगा, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, और आपका ये 0। क्लियर आपको, आई होप आंसर में आ गया होगा। और जब उसको आप 22 से यहाँ पर अब जब इसको आप 24 से यहाँ पर कैंसिल करेंगे, तो 24 2 बचा 24 हो जाएगा, 24 × 24 और आपका ये 0। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब 22 × 22 = 110 होता है, तो आपका यहाँ से कैलकुलेशन हो गया, तो बचा के आपके पास में r = 5 × 7। जब आप 5 × 7 करें कितना आएगा, 35 मीटर। यानी हमारे पास रेडियस कितना आ गया, 35 मीटर आ गया। तो आई होप आपको ज़्यादा समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि हमें क्या करनी है, प्लगिंग करनी है। तो प्लगिंग क्या होगी, इस फील्ड के अंदर अंदर होगी, और जब भी फील्ड के अंदर हम लोग कुछ प्लगिंग करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम बात करते हैं फसल लगाने की बात करते हैं या क्रॉप प्लगिंग की बात हम करते हैं, तो वहाँ पर क्या आता है आपका एरिया आता है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर एरिया निकालना पड़ेगा। सो एरिया ऑफ फील्ड क्या होता है आपका, एरिया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर शेप में आपका फील्ड, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई क्या है, 22/7, और आर कितना आता है, 35 का स्क्वायर। यानी मैं इसको अगर ऐसे लिखूँ 22/7 × 35 × 35, तो कोई डाउट नहीं है। 7 × 7 = 35। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पर 22 से, तो कितना आएगा आपका 110 आ जाएगा, और इंटू में आपका 35। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 35 × 0 = 35, यानी आपका 3,650 मीटर स्क्वायर क्या आएगा, आपका एरिया आएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग। अब हमें क्या पता है कि 1 मीटर स्क्वायर पे हम जब प्लगिंग करते हैं, प्लगिंग की जो कॉस्ट है
वो कितनी है आपकी, वो है आपकी 0.50 रुपीज़। और जब हमें 3,650 मीटर स्क्वायर पे निकालनी है, तो हम लोग जो 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है उसको हम लोग 3,650 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डेसिमल का जैसे मैं रिमूव करूँगा नीचे क्या आएगा, आपका 100 आएगा। और ये 0 से आपका 0 कैंसिल, 5 5 5 5 2 10 हो गया। अब 2 2 1 1 2 1 1 2, यहाँ से 1 बचा, ये 16 हो गया, 2 8 16, और आपका 2 2 4 और 2 5 10, यानी कुल मिला के हमारे पास आंसर कितना है 1,825 रुपीज़। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग उस पर प्लग इन करते हैं उस एरिया पे, तो जो कॉस्ट होगी कितनी होगी 1,825 रुपीज़। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और आपका इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हैं। थैंक यू।